श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समक्ष जो भक्त चरित्र लेकर आई हूँ वो है श्री विदुर जी एवं उनकी पत्नी विदुर रानी जी का। कौन नहीं जानता उनकी महिमा। आज मैं प्रयास कर रही हूँ आप तक उनका जो चरित्र है पहुँचाने की, प्रशंसा उनकी जो व्याख्या है उसको चरितार्थ करने की, आपके हृदय तक मेरी आवाज पहुंचे। तो मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही सुंदर चरित्र है। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ विदुर जी की पत्नी ने भगवान को कैसे केले के छिलके अर्पित की हैं, भगवान ने कितने प्रेम से खाए हैं, वो कैसी कथा है। जिस समय भगवान कृष्ण विदुर जी के दरवाजे पर पहुंचे हैं उस समय उनकी पत्नी स्नान कर रही थी। आते ही श्री कृष्ण ने बाहर से आवाज लगाई। विदुर रानी ने सुनते ही श्री कृष्ण भगवान की आवाज को पहचान लिया और सुबुद्ध भूल गई, जैसे उस स्वर में कोई आकर्षण हो, मधुर बंसी की ध्वनि ऐसे लग रहा। वस्त्र पहने बिना ही ज्यों की त्यों दौड़ी आई और किवाड़ खोलकर भगवान के दर्शन किए। भगवान ने जब उनका यह हाल देखा तो झट से कमर से लिपटा हुआ पीतांबर उनके शरीर पर डाल दिया। अब विदुरानी को होश आया, वह बड़ी लज्जित हुई और जल्दी ही अंदर जाकर कपड़े पहन आई। इसके अनंतर वह कृष्ण के पास आकर बैठ गई। वह खिलाने के लिए लाए हुए केलों को छील छील कर प्रेम में बेसुध होने के कारण गूदे के स्थान पर केले की जो मिगी होती है, केले का जो गूदा होता है, उसके स्थान पर छिलके खिलाने लगी। केले को छील रही हैं और केले का जो खाने वाला पार्ट है उसको तो फेंकती जा रही हैं और छिलके भगवान को भेंट कर रही हैं खाने के लिए। इतने में पति देव विदुर जी भी आ गए। उन्होंने यह दृश्य देखा तो अपनी पत्नी पर गुस्सा हुए। क्या कर रही हो विदुरानी, भगवान को छिलके खिला रही हो, ये क्या तुमने अनर्थ कर दिया। विदुर रानी को जब अपनी भूल का एहसास हुआ उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। प्रेम आधिक्य होने के कारण उनकी पत्नी से जो भूल हुई, विदुर जी भगवान को केले के गूदे खिलाने लगे। विदुर जी अब भगवान को केले के गूदे खिलाने लगे। अब उनके हृदय को शांति मिली। फिर भी बार बार यही सोचते रहे इस स्त्री ने छिलका खिलाकर भगवान को बड़ा कष्ट दिया। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, विदुर जी आपने यह काम ठीक किया कि मुझे केले खिलाए, पर सच बात तो यह है इतने पर भी जैसा स्वाद उन छिलकों में आ रहा था वो इन केलों में नहीं आ रहा। इन केले के गूदे में वो स्वाद नहीं है जो विदुर रानी के छिलकों में आ रहा था। उधर विदुर जी ने अपने मन में कह रही थी, विदुर रानी हाय इन हाथों को मैं कैसे कष्ट डालूं जिन्होंने गूदा तो फेंक दिया और छिलका खिला दिया, क्या करूं मैं इन हाथों का। विदुर रानी को अपने हाथों पर गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है कि मैं इनको क्या सजा दूं जिन हाथों ने भगवान को छिलके खिला दिए। कैसी मूर्ख हूं मैं, मेरे प्रभु मेरे घर पधारे और मैं उनको अच्छे से भोजन भी ना करा सकी, फल भी खिला रही थी तो छिलके खिलाए, हाय मैं क्या करूं जिन्होंने गूदा तो फेंक दिया और छिलका खिला दिया। धन है विदुर विदुरानी, धन है उनकी भक्ति। सूरदास जी प्रभु द्वारा विदुर जी के यहाँ भोजन कराने का प्रधान कारण प्रेम ही तो माना है। सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे भी फल सबरी के खाए बहुविध स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हर नाई। सब सो ऊंची प्रेम सगाई,
राजसु जग अधिष्ठर कीनो ताहु में झूठन उठाई। राजसु यज युधिष्ठर कीनो ता में झूठन उठाई। प्रेम के रस पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों। भूल गए ठकुराई सबसो ऊंची, प्रेम सगाई सबसो ऊंची, प्रेम सगाई ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन। गोपिन नाच नचाई ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। सूर्य कुर लायक नाही कहलाग करो बढ़ाई। सब सो ऊंची प्रेम सगाई। कितना सुंदर चरित्र है विदुर रानी जी का, विदुर जी का। जो भाव से प्रेम से सुनता है तो मन में आनंद आने लगता है। आशा करती हूँ मेरे बात, मेरी ये जो हृदय की आवाज़ है वो आप तक भी पहुँची होगी। अच्छी लगी हो कथा मेरी तो मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।